हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ रजत राजपुरी, आपके क्लास में। और लास्ट टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रोल्स, और वो टॉपिक हमारा थोड़ा रह गया है सर, तो आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले एक क्लियरली बता देता हूँ कि एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ बिग पार्ट, और ये सबसे ज़्यादा ईजी, अगर हम समझ गए ना इसे तो हम बहुत अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दो दिन क्लास, एक क्लास पहले हुई है और एक आज, इन दो क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सब बेसिक रूल मालूम हो जाएंगे, और इसके बाद आप चाहे आप कॉम्पिटिशन में हो, चाहे आप 10th में हो, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, या किसी भी, आपको ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ मालूम हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। इसमें हमने पढ़ा था कल, हमने आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेट, इनकी हमने आपको एक टेबल बनानी सिखाई थी। टेबल देखो, हमने आपको बताया था कि जो हमारा त्रिकोणमिति है, इसमें जो त्रिभुज यूज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हमने जो एंगल्स पढ़े थे ओनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है बेटा? ये वाला, इस एंगल की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस थीटा की जो वैल्यू थी 45, 60 और 90। देखो मैं आपको ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद उस दिन कल हमने जो पढ़ा था उसमें टाइम थोड़ा कम रह गया था, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए जो इसे भूल भी गए होंगे। इसके डिवीज़न के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी के साथ में देखो, हमने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास में होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा। ये था, हमने कहा था कि ये इसका अपोजिट, और ये साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू 1/ sec theta, और sec theta is equal to 1/ cos theta। ठीक है, tan theta is equal to 1/ cot theta, cot theta is equal to 1/ tan theta। और एक छोटा सा एक और हमने बताया था आपको कि tan theta is equal to होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये छोटे से एक बार हम फिर से देखेंगे। हमने सिर्फ आपको बोला था कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू अपने माइंड में सेट करनी है, याद रखनी है। साइन जीरो, साइन जीरो, देखो थीटा
ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 होता है, इससे ज़्यादा का भी हम आपको वो भी सिखाने वाले हैं, और इसीलिए हम यहाँ, लेकिन टेबल हम आपको सिर्फ 90 तक सिखाने वाले हैं। ओके, साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की 3/√2, साइन 60 की, साइन 90 की सॉरी 1, कोसेक थीटा, यहाँ पर कोसेक कोस जीरो, कोस थीटा सॉरी, कोसेक थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और सेक थीटा यहाँ पर, को थीटा यहाँ पर, ठीक है क्लास, गर्मी बहुत हो रही है। चलो मैं आपको बता दूँ, देखो साइन के लिए हमने साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस की स्टूडेंट्स स्टार्ट हो गई है इधर से, 1 cos 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, ठीक है, और कॉस 90 हमारा हो गया 0, ठीक है। क्यों हुआ ये, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे टेन, टेन में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब हम पढ़ेंगे टेन जीरो, सबसे पहला हमारा आएगा टेन जीरो, तो टेन जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, साइन जीरो बटे कोस जीरो, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो जीरो को वन, जीरो बटे वन, देखो किसी के बटे में जीरो होगा, देखो अब मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, मैंने कुछ लास्ट क्लास में बताया था कि 0/1 0 और 1/0 हमारा होगा अनंत, ठीक है। चलो ये वाला टेन, टेन जीरो की वैल्यू आई तो टेन 0/1 कितना हो जाएगा हमारा, 0/1 होता है हमारा किसी भी प्राकृतिक, जीरो को किसी भी, जीरो को किसी भी नेचुरल संख्या से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जीरो। टेन 30, टेन 30 मतलब साइन 30 बटे कॉस 30, तो 1/2 को हमने डिवाइड करना है √3/2 से, √2 से 2 कट गया, 1/√3, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अब टेन 45, टेन 45, अब देखो टेन 45 साइन 45 बटे कोस 45, किसी भी संख्या को, देखो कोई भी संख्या है, कोई भी डिजिट है, उसी संख्या को उसी से अगर हमें डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, वन, क्या आता है, वन। अब टेन 60, टेन 60 का मतलब √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कटा, कितना आ गया हमारे पास में, √3, √3। अब टेन 90, टेन 90 1/0, 1 किसी भी नेचुरल संख्या को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमेशा, अपरिभाषित अनंत, ठीक है। कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक क्या है, कोसेक बच्चों, कोसेक क्या है, कोसेक है साइन का उल्टा, कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, अगर हम साइन को 1/sin करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोसेक, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कोसेक, साइन, साइन की हेल्प लेंगे, कोसेक 0 तो साइन 0, 1/0 मतलब फिर से आ गया अनंत। अब देखो जरा, अब कॉस, कोसेक 30, कोसेक 30 किसकी हेल्प से निकलेगा, साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1, तो खाली कितना आ गया, 2, समझ गए। अब कोसेक 45, कोसेक 45 किसके हेल्प से, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो √ इसका अपोजिट होगा √2/1, √2, ठीक है। कोसेक 60, कोसेक 60 किसके हेल्प से मिलेगा,
ये मिलेगा हमें साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2, तो कोसेक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। चलिए भाई अब कोसेक 90, कोसेक 90 1 by 1 मीनिंग 1। चलो सेक किसकी हेल्प से, कॉस की हेल्प से, कोसेक किसकी हेल्प से, साइन की हेल्प से, कॉट किसकी हेल्प से, टैन की हेल्प से। सो सेक का हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस की हेल्प लेंगे, कॉस तो 1/1 फिर कोसेक, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि सेक जो है किसका किसका अपोजिट है, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है, किसका, कॉस का। अगर हम कॉस का उल्टा करते हैं, 1/cos करेंगे, अगर हम 1/cos करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेक की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो 2/√3 ठीक है, इसका √2/1 तो √2, 1/2 का उल्टा 2/1 रिवर्स कर दिया। चलो ये भी 1/0, नीचे 0 आ गई, कोई भी नेचुरल संख्या कितना आएगा, अनंत। अब आइए यहाँ पर कॉट, कॉट किसकी हेल्प से, टेन की हेल्प से, टेन टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/0 अनंत। चलिए 1/√3 है तो 1/√3 का अपोजिट हमें करना है तो कितना होगा, 3/1 तो 3। चलो अब हमें वैल्यू देखो, कॉट 45 किसकी हेल्प से, टेन 45, तो 1/1 1/√3 ही रहेगा, ठीक है, और 1/अनंत हमारा हो जाएगा 0। देखो ध्यान रखो कि कोई भी संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है और अपोजिट में कितना है, अनंत है। कोई भी नेचुरल नंबर है और अपोजिट में क्या है, उसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में, अनंत, तो कितना होगा, ऑलवेज होगा 0। तो बच्चों आज ये हमने टेबल, लास्ट क्लास के टेबल आज भी हमने आपको बताई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, एक बारी में होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो आज हमने दोबारा से आपको समझा दिए।